कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव चल रहा है। इसमें से राजधानी लखनऊ की बहुत अहम सीट कैंट पर भी चुनाव हो रहा है। आज भाजपा ने अंदर खाते इसकी तैयारी करने के लिए भाजपा के आईटी सेल की मंडल बैठक यहां राजधानी लखनऊ के आलमबाग के स्नेह नगर के एक गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। इसमें मुख्य तौर से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी, प्रदेश महामंत्री तथा लखनऊ प्रभारी विद्यासागर सोनकर थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री स्वाति सिंह थी, विधायक पंकज सिंह जो कि महामंत्री भी हैं भाजपा के, भाजपा कैंट से प्रत्याशी सुरेश चंद्र तिवारी, उनके साथ साथ मुख्य वक्ता भाजपा आईटी सेल के प्रदेश प्रमुख व प्रदेश प्रवक्ता संजय राय थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने करी। दोस्तों, चूंकि 21 तारीख को लखनऊ कैंट में मतदान होना है, इसको लेकर के साइबर के जो योद्धा हैं, भाजपा के साइबर सिपाही, उनको तैयारी दी जा रही है, उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। प्रियंका आर यहाँ मौजूद थे जो कि संयोजक हैं अवध क्षेत्र के। इन्होंने बताया कि 21 तारीख को भाजपा के जो स्मार्टफोन धारक कार्यकर्ता हैं वो बूथ पर मौजूद रहेंगे। चाहे कार्यकर्ताओं को उनकी पर्ची ढूंढनी हो, नाम ढूंढना हो, या फिर निर्वाचन आयोग के जो हेल्पलाइन नंबर है उसको लेकर के मतदाताओं की वो मदद करेंगे। आर्य ने बताया कि इसी तरीके से मोदी सरकार और योगी सरकार की जो प्रमुख जानकारियां हैं उनको भी ये साइबर योद्धा मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक जन तक पहुँचाएंगे। विद्यासागर सोनकर ने कहा कि मतदान के लिए प्रत्येक बूथ पर जो स्मार्टफोन धारक कार्यकर्ता हैं वो लोगों की हेल्प करेंगे। स्वाति सिंह ने कहा, अपना उन्होंने समय याद करते हुए बताया कि किस तरह से जब उनके ऊपर विपदा पड़ी थी तो स्वाति सिंह मैदान में और बीजेपी ने जो ये हैशटैग चलाया था सोशल मीडिया पर, तो आज सोशल इन्हीं साइबर योद्धाओं के कारण स्वाति सिंह आज मंत्री हैं और स्वाति सिंह को न्याय भी मिला। वहीं संजय राय जी से भी हमने बात करी। उन्होंने कहा 2014 में के इलेक्शन के बाद से बीजेपी के साइबर योद्धाओं की हर एक अभियान में बहुत प्रमुख मुद्दाएँ भूमिका रही है और आज भी इस उपचुनाव में भाजपा के जो साइबर योद्धा हैं वो प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। आईटी सेल के संयोजक प्रियंकार ने बताया कि इस तरीके से ये आयोजन मंडल वाइज किया जा रहा है और हर मंडल में भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पर प्रचार है। काफी लोग हम लोग भी गली गली जा रहे हैं प्रचार करने, तो लोग कई बार ये पूछते हैं कि अब कौन सा चुनाव आ गया, तो साइबर योद्धाओं के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप पे, ज्यादा से ज्यादा ये प्रचार करें कि 21 तारीख को उपचुनाव है। आप जो भी पोस्ट डालें किसी भी प्रकार की, उसमें सबसे पहले आप ये दायर करिए कि 21 तारीख को आगामी उपचुनाव है, और जिससे कि लोगों को ये जानकारी हो सके कि चुनाव है, क्योंकि जब 90% बढ़ेगा, देखिए जीत हमारी पक्की है। आप सभी लोग मानते नहीं मानते हैं, मानते नहीं मानते कि कैंट उपचुनाव भारी मतों से जीतेंगे। अब असली मुद्दा यह है कि रिकॉर्ड मतों से जीत रहा है, इतना हम लोग को 1 लाख का रिकॉर्ड हम लोग को तोड़ना है। तो मुद्दा यह है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा माननीय सुरेश चंद्र तिवारी जी को मतदान तिथि को, हमारा देखिए 2019 में हम लोग जो प्रचार प्रसार कर रहे थे तो हम लोगों ने एक बात कही थी कि जब राहुल गांधी भी अपने मोबाइल से, जब अपनी जेब में मोबाइल निकाले और खोले सोशल मीडिया, तो सबसे पहले उसमें मोदी जी की और कमल की फोटो राहुल गांधी के मोबाइल में दिखाई दे, और ये सारा आप सब लोगों के माध्यम से ही हो पाया है कि 2019 में हम लोग ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उसमें साइबर योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पीछे माननीय मंत्री जी बैठी है, आप सभी लोग जानते हैं कि उस वक्त का घटनाक्रम, उस वक्त माननीय मंत्री जी ने एक आवाज उठाई और साइबर योद्धाओं ने कंधे से कंधा मिला के इनका सहयोग किया था, और हम सब लोगों ने एक नारा जो दिया था कि भारतीय महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, वो एक ऐसा दौर था भारतीय जनता पार्टी का। साइबर योद्धाओं के माध्यम से हर कोई सड़क पे उतर आया था और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में महिला के सम्मान के लिए खड़ी हुई है। इसके अलावा आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जो मुख्य बिंदु है इस समय वो लेटेस्ट आप जानते हैं कि धारा 370 के बारे में आप लोग जानते थे, जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 70 दिनों में सरकार ने कर दिया, तो 70 दिनों में सरकार ने किया है उसको हम लोग जन जन तक पहुंचा।
यहाँ मंडल कार्यशाला चल रही है आईटी विभाग की, और साथ साथ प्रदेश में उपचुनाव भी चल रहे हैं, और लखनऊ कैंट की बात करें तो यहाँ भी है। तो आज किस तरीके की कार्यशाला होगी, कार्यकर्ताओं को किस तरीके का निर्देश है? पूरे उत्तर प्रदेश में जिन भी सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, पार्टी के सभी मोर्चे, सभी विभाग, प्रकोष्ठ, सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। उसी क्रम में आईटी विभाग पूरे सभी जो विधानसभा के उपचुनाव हैं सभी विधानसभाओं में मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है, और इस महानगर में भी कई इस कैंट विधानसभा में कई मंडल हैं, उसमें से एक मंडल की कार्यशाला आज आयोजित की गई है, और जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश महामंत्री माननीय विद्यासागर सोनकर जी, और हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय सुरेश तिवारी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं, ये सभी लोग आज उपस्थित रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे महानगर के अध्यक्ष श्रीमान शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी करेंगे, और एक अच्छा कार्यक्रम जो है करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो हमारे बूथों पर 5 स्मार्टफोन धारक हैं, ये सारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, ये जाएंगे और बूथ पर जो 5 स्मार्टफोन धारक हैं सभी लोगों को वोट निकालने के लिए, वोट के दिन काम करने के लिए ठीक प्रकार से सक्रिय करने का काम करेंगे। संजय जी, और क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आईटी सेल की इस चुनाव को लेकर? आईटी सेल की एक जो महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो ऑनलाइन लोगों को वोटर पर्ची मिले, ऑनलाइन जो है कि अगर किसी को वोट अपना बूथ ढूंढने में, वोट ढूंढने में, पर्ची ढूंढने में कोई परेशानी आती है तो वो ठीक करें, इस तरह के सारी जो डिजिटल प्रचार है पार्टी का, जो डिजिटली वोटर को वोट दिलाने और वोटर बूथ पे पहुंचाने का, ऐसा सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने भी प्रयास हो सकते हैं सारा आईटी विभाग जो है सोशल मीडिया के थ्रू और आईटी के थ्रू कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी आईटी के माध्यम से? बिल्कुल, हमारे जो चुनाव में ग्राफिक्स बन रहे हैं उस ग्राफिक्स में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो सारी उपलब्धियों को उसमें लाया जा